यदि आप 10th पास कर चुके हैं या 10th का एग्जाम दिए और आप सोच रहे हैं कि आगे किस कॉलेज में एडमिशन लें इंटरमीडिएट के लिए, आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो हम बात करने वाले हैं झारखंड के टॉप 5 कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। आपको ईजी हो जाएगा सोचने और समझने में, चूज करने में। और ध्यान रहे कि ये जो वीडियो है चाहे ये जो लिस्ट है हम तैयार किए हैं वहाँ का रिजल्ट देखते हुए और वहाँ का परफॉर्मेंस देखते हुए, और औसतन रिजल्ट को मैंने ध्यान दिया है, क्योंकि टॉप तो एक दो कर ही जाते हैं लेकिन औसतन रिजल्ट कैसा है इस चीज़ पे मैं फोकस किया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मेरा लिस्ट का जो पांचवा स्थान है, जो मैंने पांचवा स्थान पे रखा है, उस कॉलेज का नाम है अनदा कॉलेज हजारीबाग, क्योंकि अनदा कॉलेज जो है हजारीबाग में है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, तो वहाँ के लिए एक बेस्ट कॉलेज है वो है अनदा कॉलेज, जो कि ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों फैकल्टीज़ के लिए बेस्ट है। और वहाँ का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार रहता है और परफॉर्मेंस भी दे दो चार साल में चाहे जो पिछले रिजल्ट मैंने देखा है काफ़ी शानदार रहा है, औसतन रिजल्ट भी शानदार है। तो मेरे लिस्ट में पाँचवें स्थान पर है, उसका नाम है अनदा कॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का जो कॉलेज है उसका नाम है मारवाड़ी कॉलेज रांची, जो कि रांची में है, और ये रांची का बेस्ट कॉलेज में से एक है। यहाँ भी काफ़ी शानदार रिजल्ट रहता है और यहाँ काफ़ी संख्या है स्टूडेंटों का, मतलब पूरे झारखंड से करीब हर एक जिला से पढ़ने आते हैं इस कॉलेज में, और यहाँ रिजल्ट भी शानदार रहता है। और बता दें कि ये तीनों फैकल्टीज़ के लिए बेस्ट है, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टीज़ के लिए बेस्ट है, जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस इसका रहा है और बीते रिजल्ट भी देखे तो काफ़ी शानदार रहा है। तो आपके लिए एक बेस्ट मतलब ऑप्शन हो जाता है वो है मारवाड़ी कॉलेज, जो कि रांची में। अब मेरे लिस्ट में जो है तीसरा नंबर का कॉलेज है उसका नाम है गौसनर कॉलेज, जो कि ये भी रांची में है, और ये भी बता दें कि साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन है। और बता दें कि यहाँ भी रिजल्ट काफ़ी शानदार रहता है, औसतन रिजल्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, मतलब समझिए कि हज़ारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष यहाँ एडमिशन लेते हैं इंटरमीडिएट के लिए, और शानदार रिजल्ट भी रहता है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है वो तीसरा नंबर मेरे लिस्ट में है, वो है गौसनर कॉलेज। अब आते हैं सेकेंड नंबर का कॉलेज है मेरे लिस्ट में, उसका नाम है इंटर साइंस कॉलेज, जो कि हजारीबाग में पड़ता है, और ये सिर्फ हजारीबाग का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का टॉप, मतलब समझिए कि टॉप कॉलेज में से एक आता है। और इसका और बता दें कि ये साइंस के लिए बहुत फेमस है, साइंस के लिए बढ़िया ऑप्शन है इंटर साइंस कॉलेज, और झारखंड के हजारीबाग जिले में है। और हजारीबाग को पता ही होगा हजारीबाग के बारे में, कि हजारीबाग को झारखंड का एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता है, शैक्षणिक राजधानी बोला जाता है। तो वहाँ बहुत सारे जिला से स्टूडेंट जब आते हैं इंटरमीडिएट के लिए तो यहाँ एडमिशन लेते हैं और काफ़ी शानदार रिजल्ट रहता है, और यहाँ 10th टॉप में तो 2-3 स्टूडेंट रहते ही रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी शानदार रहता है, और यहाँ औसतन रिजल्ट देखें तो वो भी शानदार रहता है। जो है सब फर्स्ट डिवीज़न बहुत ज़्यादा करते हैं, आजकल पता ही होगा कि अब रिजल्ट भी शानदार होने लगा है, तो वहाँ का रिजल्ट बहुत शानदार होता है। अब बात करते हैं पहला नंबर का, जो कि तो मेरे लिस्ट का सबसे पहला नंबर का कॉलेज है, उसका नाम है संत जेवियर कॉलेज, जो कि रांची में। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि ये झारखंड का पुराना कॉलेज में से एक है। इसका स्थापना जो है 1944 में हुआ था, और बता दें कि ये पहले पटना के कैथोलिक आश्रम द्वारा चलाया जाता था, लेकिन अब जो है रांची यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और ये झारखंड का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक है और मेरे लिस्ट में सबसे पहला नंबर है। इसका कारण ये है कि इसका रिजल्ट 10 टॉप में इसके मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं यही कॉलेज से होते हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि हम 10 टॉप में, तो पता ही होगा कि इतने सारे जब स्टूडेंट पढ़ेंगे तो 10 टॉप में आ ही जाएंगे, लेकिन मैंने वहाँ औसतन रिजल्ट देखा तो काफ़ी शानदार है। मैंने स्टूडेंटों से बात भी किया, स्टूडेंटों से रिव्यू भी लिया, तो एक ज़बरदस्त कॉलेज जो ज़बरदस्त रिजल्ट देख कर मतलब निकल के आया है उसका है जेवियर कॉलेज का, काफ़ी शानदार कॉलेज है। यदि आप चाहते हैं रांची से इर्द गिर्द जिले से आप खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, इधर लातेहार जिला मतलब इधर से हैं, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाता है वो है जेवियर कॉलेज। तो ये था मेरा कुछ टॉप 5 कॉलेज इन झारखंड फॉर इंटरमीडिएट के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए मैंने बता दिया। और बता दें कि ये कॉलेज जो है मैंने यही ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो झारखंड में जो मिडिल क्लास फैमिली जो हैं वो भी अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि पता ही होगा कि झारखंड में हमारे क्या सिचुएशन है, लोग मतलब मिडिल क्लास ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो इसी वजह से मेरा ये कुछ लिस्ट रहा। आपका लिस्ट में क्या है, आपका आपके अनुसार मतलब क्या लिस्ट बन सकता है टॉप 5 कॉलेज के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।